महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक रेप्यूटेशन है कि ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स है, और सालों साल से ये रेप्यूटेशन है। और ये इसीलिए है क्योंकि जिन पार्टीज की सत्ता रही है महाराष्ट्र में, उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैन, क्रिमिनल, इन सभी एलिमेंट्स को टिकट्स दी, पार्टी में लीडरशिप पोजीशंस दी और उन्हें एम्पावर किया। यू केम इन 2014 और आप क्लीन राजनीति लेकर आए, लेकिन ये क्लीन राजनीति लाने में चैलेंजेस क्या रहे हैं, और इस तरीके का मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्रिमिनल्स हुआ क्यों था हिस्टोरिकली? देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि महाराष्ट्र ने कुछ दशकों पहले एक अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तैयार की, विच वॉज एपिटोम ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, उन दोनों के भरोसे इंस्टीट्यूशंस, उन इंस्टीट्यूशन के भरोसे लोगों को एक प्रकार से अपने साथ जोड़ना और सरकारी पैसे पर अपने बड़े साम्राज्य को तैयार करना, इस प्रकार की एक परिस्थिति महाराष्ट्र में कई वर्षों तक हमने देखी। और आप अगर महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र बनने के बाद पहले 30, 40, 50 साल तक देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कुल मिलाकर ये राजनीति 50 घरानों के इर्द गिर्द घूमी है, ओनली 50 फैमिलीज। मैं ऐसा नहीं कहता कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन फैमिलीज में भी कई फैमिलीज ऐसी थी कि जिनको बहुत बड़ा सोशल आउटलुक था, पर ऐसी भी थी कि जिन्होंने इस राजनीति को केवल अपने फैमिली तक सीमित रखा और अपने साम्राज्य तक सीमित रखा। सरकार के पैसे का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से अपना साम्राज्य फैलाना कि आम आदमी ये अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाए, और फिर उसको प्ले करना, और फिर इसमें से तैयार हुआ एक एक ऐसा माहौल कि जिस माहौल में फिर इनको कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल्स की आवश्यकता पड़ने लगी, इनको कंट्रोल करने के लिए गुंस की आवश्यकता पड़ने लगी, इनको कंट्रोल करने वाले बाहुबलियों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो फिर बाहुबलियों का भी प्रवेश एक प्रकार से हमारी राजनीति में हुआ। और हमने एक ऐसा दौर भी देखा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जब महाराष्ट्र की राजनीति को मुख्यमंत्री कंट्रोल करते थे या अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करता था, इस प्रकार का सवाल उठाना पड़े, ऐसे भी महाराष्ट्र की राजनीति हमने देखी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का और देश की राजनीति का पूरा मुख मोड़ दिया है। एक प्रकार से ये जो सारी व्यवस्था खड़ी थी, इस व्यवस्था को तहस नहस करने का काम, जो एक क्षेत्रीय क्षत्रप तैयार हुए थे कि जो अपने यहां किसी को एंट्री नहीं देते थे, इनको डिमोलिश करने का काम, ये देश की और महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग इसको कर पाए क्योंकि मोदी जी की बहुत स्ट्रांग लीडरशिप हमारे पीछे थी और हमने ये दिखाया कि आप बिना बाहुबलियों के राजनीति कर सकते, आप ये जो सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता और इनके भरोसे राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इस प्रकार का जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है उससे परे भी राजनीति कर सकते हैं। और ये जितने बड़े बड़े स्ट्रांग लोग थे इनको बिल्कुल सामान्य लोग भी पराजित कर सकते हैं, ये भी हमने पिछले 10 सालों में एस्टेब्लिश करके दिखाया है। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% सक्सेसफुल हुए, पर मैं ये जरूर कहूंगा उस राह पर हम बहुत तेजी से चले हैं, कई मंजिलें हमने पाई है, अभी कुछ मंजिलें और पाएंगे। स्वच्छता अभियान और चलेगा प्राइम मिनिस्टर सर का तो? स्वच्छता अभियान तो अभी चलने ही वाला है क्योंकि हमको बहुत स्वच्छता करनी अभी बाकी है।